कान्हा मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कान्हा, कोई तो दिशा दिखाइए। मुझे विशाखा का पता पूरब से ही चल सकता है। रुक जाइए, क्यों मारे आप इसे? छोड़िए, रुक जाइए। तुमसे मतलब? अरे राजपुरोहितहिन जी, अरे भाई लोग देखो, बचाव करने कौन आई है? राजपुरोहितहिन जी। भाई इन्हें कौन नहीं पहचानता, शास्त्री जी की कहानी तो स्कूल की किताबों में छपेंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इसलिए मुझे लगता है कि विशाखा के बेबीज का फादर्स ओनलीज एंड ओनलीज विक्रम। मुझे पहले क्यों नहीं सोचा, विशाखा तो विक्रम से शादी करना चाहती थी, लेकिन अभी विक्रम मुझे कहाँ मिलेगा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यूटीज? पुलिस के हवाले तो तुमने किया था उसे। मैंने उस रात पुलिस नहीं बुलवाई थी, मुझे तो आज तक नहीं पता चला है कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। खैर तुम्हें कुछ पता है? मुझे लगता है क्यूटीज पुलिस मथुरा की चौकी से आई थी, तुम वहीं जाके पूछ सकती हो। आपको कुछ पता चला? आप बैठिए तो सही। कुछ पता चला है? हाँ, विक्रम को दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल जेल भेजा था। तो मैं उससे भी मिलने जा सकती हूँ? देखिए मिलने को तो आप रोज मिल सकती हैं 2 से 4 के बीच, लेकिन विक्रम से नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि विक्रम अब उस जेल में नहीं है, कल शाम को ही किसी ने उसकी जमानत करवा ली है। जमानत? अब क्या आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने विक्रम की जमानत करवाई है? पूछा था मैंने नाम, शांतनु नाम है उसका। शांतनु जी, पूरा नाम? देखिए मुझे तो केवल बस इतना ही पता चला कि शांतनु नाम है और दिल्ली का ही कोई व्यक्ति है। जी धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या ये वही शांतनु जी है? नहीं नहीं, वो विक्रम की जमानत क्यों करवाएंगे? मुझे पता लगाना होगा, मुझे शांतनु जी से मिलना ही होगा। राजपुरोहित जी, आप ये मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मठ में रहने का आदेश मिला और मठ में रहने वाले को श्रम दान करना पड़ता है, मुझे नियमों का पालन करने दीजिए। राधे राधे। आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे कुछ नहीं हुआ है राधिका, वो तो बस काम करने की आदत से छूट गई थी ना, देखो कितना सारा काम कर लिया मैंने आज।
आप अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा सकते। ये छाले आपके हाथ पर नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं। देखो, दर्द भी अभी मिला था और दवा भी अभी मिल गई। मैं जानता हूं तुम कितनी परेशान हो। कुछ पता चला? हाँ, विशाखा किसी विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती थी, और जहां तक मेरा यकीन है, विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली की किसी जेल में था, और कल रात को ही उसे किसी ने जमानत दे दी। मैंने जानने की कोशिश की कि जमानत किसने दिलाई है, तो कहा गया कि शांतनु नाम का कोई व्यक्ति था। क्या ये वही शांतनु है? पर शांतनु विक्रम की जमानत क्यों करवाएगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप तो उसके घर का पता जानते हैं ना, आप मुझे पता दीजिए ना, मैं उनके घर जाकर उनसे पूछती हूँ। वो गुलमोहर रोड पर बंगलो नंबर 23। मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं सबूत लेकर ही लौटूंगी। अच्छू तो मिले यहां से, जिससे पता चले कि मुझ विशाखा कहां है। उका यहां आके इल्जाम को सही बताना बहुत जरूरी हो गया है। क्या ढूंढ रही हैं अम्मा जी? विशाखा का पता, ताकि वो यहाँ आके सबको बता दे कि उसके पेट में देव बाबू का बच्चा था। अम्मा जी, आपने तो पंचों के सामने झूठ बोला ही, अब आप चाहती हैं कि विशाखा भी आकर आपके झूठ को आगे बढ़ाए? उसको कैसन यकीन है बहुरिया कि वो बच्चा देव बाबू का ना था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि देव बाबू राधिका से कितना प्रेम करते हैं। जब वो विशाखा को अपनी पत्नी समझते भी थे, तब भी उनका हृदय हमेशा राधिका के लिए बेचैन रहता था। इसलिए अम्मा जी, विशाखा को छूना तो दूर, उन्होंने कभी विशाखा को नजर भर देखा भी नहीं होगा। बहुरिया, देव बाबू भी है तो आखिर मरदी, और मोर विशाखा इतनी सुंदर, इमा शक की कोई गुंजाइश ही ना है। एक बार मोर विशाखा यहाँ के सबके सामने कह दे कि वो बच्चा देव बाबू का था। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि मेरी राधिका जल्दी ही सबूत लेकर यहाँ आ जाए। ऐसन कचुना होवे गो बहुरिया, ठाकुर जी के यहाँ देर है अंधेर ना है। एक बार मोर विशाखा आके सबके सामने कह दे कि वो बच्चा देव बाबू का था, फिर देव बाबू को अपनाना पड़ेगा और वो राधिका दर दर भटकेगी। देख लीजो। आप कब समझेंगी अम्मा जी? आप जानती हैं कि दंड मिला है, लेकिन मेरी राधिका को नहीं, आपको, वो भी बार बार। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।